कोई भी थाना पदाधिकारी नहीं है, उसके अन्य असिस्टेंट नहीं है जिनका 5 लाख 3 लाख से कम का आमदनी महीना हो। थाना का एकमात्र साधन शराब हो गया। और ये खुल्लम खुला वेंडर जो है उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, शराब हरियाणा से, पंजाब से मंगा करके और बेच देता है। बॉर्डरों पर जो पदाधिकारी, जो पुलिस के लोग ड्यूटी करते हैं, उन लोगों को महीनवारी फिक्स की गई है और वो महीना लेते हैं और छोड़ देते हैं। शराब बेचने वाला भाग गया, उसका शराब पकड़ा गया। शराब होगा 200 बोतल, दिखाएगा 50 बोतल। तो ये जो शराब का व्यवस्था है, पुलिस से प्रशासन के बलबूते पर चलता है। लेकिन ये प्रशासन के लोग जो है सरकार की योजना को असफल कराने के लिए कृतसंकल्प है, संकल्पित है। ऑनलाइन शराब बिक रही है, इसकी पूरी जानकारी लोगों का है कि जिस जिला में इस तरह की घटनाएं घटेगी वहां के एसपी को सस्पेंड किया जाएगा, वहां का डीएसपी को सस्पेंड किया जाएगा, वहां का इंस्पेक्टर बन होल ऑफिसर ऑफ द पुलिस शुड बी सस्पेंडेड। लेकिन इस योजना को असफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। तो अगर इस तरह की घटनाएं किसी क्षेत्र में घटे बिहार का, तो वहाँ के एसपी, वहाँ के पुलिस के बड़ी पदाधिकारियों को निलंबित किया जाए। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जो शख्सियत है, इनका नाम सदेव सिंह जी है। आप जानते होंगे बीजेपी से विधायक रहे बसंतपुर से और आरजेडी से विधायक रहे गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से, अभी जदयू में है। क्यों बात कर रहे हैं, ना चुनाव है ना कोई पॉलिटिकल बातें होंगी। जहां हम बैठे हैं ये इलाका जो है जहरीली शराब के चपेट में है। भगवानपुर हाट थाना और साथ ही साथ मसरक थाना क्षेत्र में जिस तरह से मौत का तांडव है और विपक्ष के नेताओं का भी बयान हमने आपको दिखा दिया, तो अब सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक हैं और इनका ही वो पंचायत है जहां से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पूरे विस्तार से बात करेंगे और एक एक पहलू पर आपको बताएंगे कि कहां से आती है शराब। सबसे पहले स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दुखद चीजें हैं, आपके पंचायत से शुरू हुई है और यहाँ के भौगोलिक स्थिति से लेकर राजनीतिक स्थिति को आप बेहतर समझते हैं, लंबा आपका एक राजनीतिक जीवन है, कहाँ से आ गई? देखा जाए, शराब तो नीतीश कुमार जी ने शराब बंदी लागू किया। उनकी सोच थी कि शराब बंदी से लागू होने से गरीब तबके के लोग को राहत मिलेगा, लेकिन उनका अंग जो है कार्यपालिका, वो योजना को सफल होने में रुकावट पैदा करता है। अगर एसपी जिला का और थाना का थानेदार और गांव का चौकीदार, ये तीन दुरुस्त हो जाए तो ये योजना जो लागू की गई वो योजना पूर्णतः धरातल पर सफल होती। लेकिन ये जो हमारा थाना है वो कल खानापुरी करता है। खानापुरी का मतलब ये हुआ कि जो कोई पी लिया, रोड पर गिर गया है, उसको भेज देना जेल। एक बोतल शराब मिल गया तो उसको भेज देना जेल। और जो भेंडर है उसे महीनवारी तय किया है, छूट दे दिया है। जब आता है उत्पाद भाग के लोग तो पार्टी को खबर कर देता है, क्या ये तुम लोग सावधान हो जाओ, पार्टी उत्पाद भाग चल दिया है। तो परिस्थिति यह है कि थाना भेंडरों का खुल्लम खुला मत करता है। कोई भी थाना पदाधिकारी नहीं है, उसके अन्य असिस्टेंट नहीं है जिनका 5 लाख 3 लाख से कम का आमदनी महीना हो। थाना का एकमात्र साधन शराब हो गया है। और ये खुल्लम खुला वेंडर जो है उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, शराब हरियाणा से, पंजाब से मंगा करके और बेच देता है। बॉर्डरों पर जो पदाधिकारी, जो पुलिस के लोग ड्यूटी करते हैं, उन लोगों को महीनवारी फिक्स की गई है और वो महीना लेते हैं और छोड़ देते हैं। यहाँ की तमाशा देखिए, जब वेंडर का माल पकड़ाता है तो पुलिस देती है कि वेंडर भाग गया, शराब बेचने वाला भाग गया, उसका शराब पकड़ा गया। शराब होगा 200 बोतल, दिखाएगा 50 बोतल। तो ये जो शराब का व्यवस्था है, पुलिस से प्रशासन के बलबूते पर चलता है। मुझे कहना है कि चार व्यवस्था है प्रजातंत्र, चार खम्भों पर स्थित है। हम विधायिका के लोग हैं, विधायिका नियम बनाती है, कार्यपालिका एक्सिक्यूट करती है और न्यायपालिका उसके न्याय करती है गुण दोष का, और आप लोग उसके अच्छाई बुराई को प्रकाशित मीडिया वाले करते हैं। लेकिन ये प्रशासन के लोग जो है सरकार की योजना को असफल कराने के लिए कृतसंकल्प है, संकल्पित है और योजनाबद्ध कार्रवाई करते हैं। ऑनलाइन शराब बिक रही है, इसकी पूरी जानकारी लोगों का है। अगर चौकीदार सही हो जाए, दरोगा सही हो जाए,
एसपी साहब कमीशन लेना बंद कर दे। सर जदयू में हैं आप, नीतीश जी से लगातार मुलाकात होती है, पार्टी के प्रदेश कार्य समिति में आप हैं, अहम पद पे हैं और इस जिले के सबसे वरिष्ठ आदमी हैं, और आप खुलेआम कह रहे हैं कि 2016 में शराबबंदी लगी हुई, आप भी उस समय विधायक थे, आपने भी सदन में उसका समर्थन किया था, तो फिर आपको नहीं लगता जब सरकार आपकी है तो फिर इतने निरंकुश कैसे हैं अधिकारी? निरंकुश जो है प्रशासन निरंकुश हो गया है, उस तरह के भी व्यवस्था नहीं बनाई गई है, उस तरह के कानून नहीं बनाए गए हैं जो प्रशासन के मिली भगत हो तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे शराब पकड़ाने वाले पीने वालों की सजा है। उनकी पहले तो संशोधन हुआ है, तो पहले तो घर सील कर दिया जाता था, उनकी गाड़ी जब्त कर दी जाती थी, नीलाम कर जाती थी, लेकिन नाले ने उसमें लॉन्च किया है। अगर ये प्रशासन के लोगों पर यह तय किया गया होता कि जिस जिला में इस तरह की घटनाएं घटेगी वहां के एसपी को सस्पेंड किया जाएगा, वहां का डीएसपी को सस्पेंड किया जाएगा, वहां का इंस्पेक्टर बने होल ऑफिसर ऑफ द पुलिस शुड बी सस्पेंडेड, तो ये बड़ी भय होती, तो ये घटनाएं नहीं घटती। नीतीश कुमार का जो इच्छा शक्ति है वह जनहित का ले गया। आज भी 80% लोग शराब से वंचित है, 20% ही तबाह किए हुए हैं, और मध्यम वर्ग के लोग जो है वेंडर है उन्हीं के या प्रशासन के मिली भगत से जो भी घटनाएं हमारे यहाँ घटी है, ये कोई नई घटना नहीं है। एक साल पहले भूपतपुर में हुआ था, लकड़ी में भगवानपुर में हुआ था, जिसमें चौकदार मारा था बर्मस्थान का, मसरख में हुई थी जी। आज भी मसरख में घटना घटी है, लकड़ी में भी घटना घटी है, बसतपुर में घटना घटी है, और भगवानपुर तो हा भाई। तो बासला ये है कि ये आज जितना काल से प्रशासन के लोग डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीपीओ साहब, एडीएम साहब, डीडीसी, एसडीओ, इंस्पेक्टर, 10 थाना के दरोगा जितना रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अगर इसका 1/4 भीड़ में गति पहले होती तो इस तरह की घटनाएं कभी नहीं घटती। नीतीश जी से मुलाकात हुई होगी, नीतीश जी से बात हुई होगी, आप कल से पूरे क्षेत्र में हैं, लोगों को इलाज के लिए भेज रहे हैं, क्षेत्र में हैं, कोई दूसरा आपके एनडीए का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा है, जनता भी तलाश रही है सचदेव बाबू, आपकी बातें वहां तक भी जाएंगी, क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूंगा आप नीतीश जी से मेरी बात होगी, हमने टाइम मांगा है, बात होगी तब मैं यही कहूंगा कि बहुत प्रयास किया गया है नियंत्रण करने के लिए, लेकिन आपकी योजना बड़ा उत्तम योजना है, लेकिन इस योजना को असफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। कोई ऐसा कानून की व्यवस्था की जाए जो अगर इस तरह की घटनाएं किसी क्षेत्र में घटे बिहार का, तो वहां के एसपी, वहां के पुलिस के बड़े पदाधिकारियों को निलंबित किया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जो लोग मरे हैं, हमने भी उनके घरों में जाकर आज बातचीत किया है, काफी गरीब तबके के लोग, बहुत बहुत गरीब तबके के लोग हैं, और जो शराब है इस पर जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनको सस्पेंड करके जो एक प्रक्रिया होती है, बड़ी अधिकारी जो बात आप भी कह रहे हैं, जनता भी यही बात कह रही है कि प्रशासन दोषी है, प्रशासन दोषी है, प्रशासन दोषी। मुझे कहना यह है कि मैंने इसलिए कहा कि अगर कानून बन जाए कि एसपी सस्पेंड हो जाएगा तो एसपी जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारी पर दबाव देगा, और जब अधीनस्थ पकड़ दबाव दिया जाएगा तो वो जो पदाधिकारी है अपने अधीनस्थ चकुदार डबदार पकड़ेगा, और चकुदार सब जानता है कि गांव में कहां शराब बेची जाती है और कौन बेचता है, वो अगर रिपोर्ट थाना को कहे तो थाना के कहू भी बेईमान अफसर होगा वो रस करेगा, क्या कि उसको भय है, क्या कि नियम कड़ा बना हुआ है, इसका घोर अभाव है, कहीं नियमावली नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं, सस्पेंशन इट इज नॉट रूल, कोई फंक्शन नहीं है। आज दरोगा सस्पेंड हो गए, हो सकता है कल बसतपुर का दरोगा सस्पेंड हो जाए, लकड़ी का हो जाए, मसरक का हो जाए, ये कुछ चाह नहीं है, ये तो 3 महीना से 6 महीना का सस्पेंशन टूट जाता है, लेकिन जो लोग मर गए उनकी पूर्ति कैसे होगी? वो तो असहाय हो गया परिवार, कमा के खाने वाला परिवार था, उस परिवार का वही कमाऊ व्यक्ति था, आज उसकी मृत्यु हो गई, उसके परिवार के सामने अंधकार छाया हुआ है, उसका अंधकार का कैसे व्यवस्था किया जाएगा कि प्रकाश आए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे सचदेव सिंह जी, और हमने पहले बताया कि ये जो छपरा और सिवान के बीच का सीमावर्ती इलाका है, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नए परिसीमन में क्षेत्र दाएं बाएं हुए हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति से पिछले 4-5 दशकों से भली भांति परिचित है, और एकदम बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की 2016 की नीति काफी उत्तम है, पर जो पुलिस पदाधिकारी है, जो प्रशासनिक महकमा है, नीतीश कुमार के इकबाल पर बट्टा लगा रहा है। अब यह देखना खास होगा कि जिस तरह से गरीब तबके के लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ये भी उन्हीं बातों का समर्थन कर रहे हैं कि नीति नियम तो ठीक है पर पैसे के बल पर कमाई का एक जरिया बना रखा है पुलिस पदाधिकारियों ने, और अगर कार्रवाई बड़ी मछलियों को पकड़ने पर हो तभी जाकर ऐसी व्यवस्था पर रोक लग सकती है।